नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए बायोलॉजी का तीसरा मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जिसमें आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, उसका आपको कमेंट करके आंसर देना है, और उसके बाद आपको आंसर बताया जाएगा। तो आप आंसर मिलाओगे और लास्ट में आप कमेंट करके बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पादन जिलेडियम और ग्रेसिल एरिया से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवधारियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। तो बताएं क्या चीज़ है जिसका उपयोग है आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। तो ये होगा अगर, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाइरूविक एसिड। क्या हो जाता है, पाइरूविक एसिड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया। जो जीवित कोशिका है उसके लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया, ये कौन से वैज्ञानिक थे आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरकिंजे। क्या नाम था, पुरकिंजे। लाइसोसोम को उसके खालिस्तान की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए आत्मघाती थैली के रूप में किसको जाना जाता है, लाइसोसोम को। तो किसकी वजह से जाना जाता है ये आपको बताना है, आंसर करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम। किसकी वजह से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से इसको आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से उस ऊतक की पहचान करें जिनकी कोशिकाएं गड्ढे साइटोप्लाज्म सेल्यूलोज की पतली दीवार और रिक्तताओं की प्रधानता वाली होती है। बताएं जिनकी कोशिकाएं गड्ढे साइटोप्लाज्म सेल्यूलोज की पतली दीवार और रिक्तताओं की प्रधानता वाली होती है। तो ये होती है, बताना आपको इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करके आंसर दें। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आपको इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है। क्या चीज़ है जिसकी उपस्थिति के कारण जंतु और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है। एटीपी की फुल फॉर्म पूछिए यहाँ पे, एटीपी, जल्दी बताएं एटीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या हो जाएगी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक इमारत में इंटें जीवों में खालिस्तान के समान है। एक इमारत में जो ईंटें हैं वो जीवों में किसके समान है। एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, समझें आप कि इमारत में ईंट होती है, इस तरीके से जीवों में क्या चीज़ होती है, तो वो होती है कोशिकाएं। जैसे इमारत में ईंट होती है तो जीवों में कोशिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियो प्लाज्म होता है। एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित होता है। एक वयस्क रंध्र है उसमें क्या उपस्थित होता है आपको ये बताना है। तो वयस्क रंध्र में क्या होता है, जीव द्रव्य तंतु। क्या होता है, जीव द्रव्य तंतु। यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तथा निवल प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है तो वह विलयन खालिस्तान है। तो बताना आपको कौन सा विलयन है वो। कोशिका को जब विलयन में रखा जाता है तो निवल प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लग जाती है, यानी कि एक कोशिका है उसको विलयन में रखा जाता है तो वो फूलने लग जाती है। तो विलयन कौन सा है ये बताना आपको। तो वो विलयन है हाइपोटोनिक विलयन। कौन सा है, हाइपोटोनिक विलयन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव नहीं है। इसमें से कौन सा जीव है जो बहुकोशिकीय नहीं है ये बताना आपको। तो वो नहीं है कौन सा, पैरामीशियम। इसमें आप याद रखें कवक, स्पाइगोरा और हाइड्रा, ये क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन पैरामीशियम है ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक की कोशिकीय जीव का उदाहरण है? इसमें से कौन सा है जो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? अभी भी हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा है, तो इसका आंसर करें। तीन ऑप्शन, तीन आपको दे रखे ऑप्शन, युगलेना, अमीबा और पैरामीशियम, इनमें से बताएं कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प है, युगलेना, अमीबा और पैरामीशियम, ये तीनों है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? फिर से एक और क्वेश्चन है, एक कोशिकीय नहीं है ये बताना है इसमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा है वो एक कोशिकीय नहीं है। युगलेना, अभी अभी हमने पढ़ा था, युगलेना, अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय है, लेकिन हाइड्रा है वो बहुकोशिकीय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, कवक है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? एंग्लो नूबियन है वो किसकी नस्ल है ये बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बकरी की। एंग्लो नूबियन है वो किसकी नस्ल है? यह है बकरी की। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर खालिस्तान के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। सूक्ष्म जीव है वो मृत पादपों पर खालिस्तान के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। सूक्ष्म जीव है वो मृत पादपों पर क्या बनाते हैं क्रिया करके? तो वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस होती है उसके उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केकड़े यानी कि जिसको क्रैब भी बोला जाता है, इसमें कितने पैर होते हैं? केकड़े के कितने पैर होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा, केकड़े के कितने पैर होते हैं? तो इसके पैर होते हैं 8। स्पंज क्या होता है बताएं जल्दी से, स्पंज है वो क्या है? कवक है, जीवाश्म है, पादप है या पशु है? स्पंज क्या होता है? तो स्पंज क्या होता है? एक पशु है। स्पंज क्या है? एक पशु है। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है पक्षियों के लिए। डार्विन फिंचिज का प्रयोग है वो पक्षियों के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता, बताएं जल्दी से। तो इसका सही आंसर है स्टारफिश। वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता? तो वह है स्टारफिश। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी बताना आपको कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमगादड़। अगला क्वेश्चन है, नरसुरा यानी कि सार्क को अलैंगिक क्लेश पर किसके साथ जुड़े होते हैं? नरसुरा यानी कि सार्क को अलैंगिक किसके साथ जुड़े होते हैं? सार्क में अलैंगिक है वो किसके साथ जुड़े होते हैं? तो वो जुड़े होते हैं श्रोणिपथ। श्रेणीपथ कर लीजिए, यहाँ पे गलत लिखा है, किसके साथ जुड़े होते हैं? श्रेणीपथ में, सीरीज में जुड़े होते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन सा है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा फिक्स फैक्टर कौन है? तो सबसे बड़ा यौगिक कारक कौन सा है? हरे पौधे। सौर ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा फिक्स फैक्टर है वो है हरे पौधे। हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होते? आपको ये बताना है किस में हार्मोन नहीं होते। चार ऑप्शन आपके सामने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्ली। बिल्ली में हार्मोन नहीं होते। लाख बनाई जाती है, लाख है वो किससे बनाई जाती है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक कीट से। लाख किससे बनती है? एक कीट से। ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, तो वो क्यों रह सकता है ये बताएं आपको। ऊंट है मरुस्थल का जानवर है, वो कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, तो क्यों रह सकता है? वो रह सकता है क्योंकि उसमें, इसमें बताया कि उसको पानी की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है। और तीसरे नंबर की है, उसके जठर के ल्यूमेन की भित्तियों में जल कोष होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ओलिव रिडले एक प्रसिद्ध है। ओलिव रिडले है वो क्या है आपको ये बताना है। ओलिव रिडले क्या है? प्रसिद्ध क्रिकेटर है, कछुए की जाति है, घास जैसी वनस्पति है, ओलिव पेड़ का दूसरा नाम है।
तो इसका सही आंसर है कछुए की जाति है। ओलिव रिडले है, ये क्या है, एक कछुए की जाति है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है, इसमें से कौन सा सर्प है जिसमें जहर नहीं होता, तो ये होता है अजगर। विष रहित जो है कौन सा सर्प है, अजगर है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है, इसमें से कौन सा सर्प है जो वास्तविक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांच सर्प। कांच सर्प है जो कि वास्तविक सर्प नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।